नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का शिलान्यास कार्यक्रम के अवसर पर हटिया रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में माननीय राज्यपाल श्री सीपी राधा कृष्णन ने संबोधित करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है, भारत के दूरस्थ इलाकों की समस्याओं से अवगत है और उसे दूर करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। रांची के हटिया एवं पिस्का रेलवे स्टेशन सहित राज्य एवं देश के विभिन्न स्टेशनों को विकसित करने की योजना इसका ज्वलंत प्रमाण है। माननीय प्रधानमंत्री ने माँ बहनों की कठिनाइयों को समझते हुए कुकिंग गैस को घर घर तक पहुँचाने की व्यवस्था को दुरुस्त किया। प्रधानमंत्री आवास योजना से गाँव गाँव के लोग निरंतर लाभान्वित हो रहे हैं। किसान सम्मान निधि में से किसान लाभान्वित हो रहे हैं। माननीय राज्यपाल ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि पूर्व में हमारे रेलवे स्टेशनों पर गंदगी रहती थी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के रूप में उल्लेखनीय पहल की गई। स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के रेलवे स्टेशनों की स्वच्छता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो देखने को मिल रहा है। अब गंदगी नहीं रहती है। आज पूरी दुनिया से आने वाले पर्यटक इसकी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने कहा कि सबका दायित्व है कि हमारे जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं उन्हें स्वच्छ रखें। स्वच्छता हम सबका कर्तव्य है। माननीय राज्यपाल ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व की पांचवी अर्थव्यवस्था बन गया है और विश्वास है कि जल्दी विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। इसका ज्वलंत उदाहरण है कि आज झारखंड के 57 रेलवे स्टेशनों सहित देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास हो रहा है। सिर्फ हटिया स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 355 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वंदे भारत ट्रेन की श्रृंखला में निरंतर वृद्धि हो रही है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का रेलवे स्टेशन बनाने हेतु माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किए जा रहे पहल हेतु आभार प्रकट किया। इस अवसर पर उन्होंने हटिया रेलवे स्टेशन मॉडल का अवलोकन किया तथा यहाँ पर आयोजित चित्रांकन कविता निबंध लेखन प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को पुरस्कृत किया। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।